नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको एक विचित्र घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक शिकारी ने शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया, जिसके बाद वहाँ खड़े पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है इस कहानी के पीछे का राज, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लोकप्रिय कथा के अनुसार एक शिकारी शिकार के लिए जंगल गया। उन्हें वहाँ पर एक मंदिर मिला, जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, शिकारी के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर क्या अर्पण किया जाए और किस विधि से ये काम किया जाता है। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस के टुकड़े को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चले गए। दोस्तों, शिकारी थिम्मन बहुत खुश था, क्योंकि उसको लगता था कि शिव जी ने उसको चढ़ावे को स्वीकार कर लिया है। इस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो इस मंदिर से काफी दूर रहा करता था। हालांकि वो शिव का भक्त तो था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वो सिर्फ 15 दिन में एक बार आता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा, तो शिवलिंग के बगल में वहां मांस पड़ा देखकर वो भौचक्का रह गया, ये सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी और बाद में अपनी पूजा की ओर चला गया, लेकिन वो हर बार आने पर उसे शिवलिंग अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसकी आंखों से आंसू भर आए और उसने शिव जी से पूछा कि हे देवों के देव, आप इतना अपमान क्यों सह रहे हो। दोस्तों, शिवलिंग में से आवाज आई, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है, वह उसका भक्ति से बंधा हुआ है और जो भी अर्पित करता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अगर तुम भी उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ। थिम्मन मांस और पानी के साथ आया और ये सब देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसकी चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंख देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाल दी और उसको शिवलिंग पर लगा दिया। दोस्तों, रक्त टपकना बंद हो गया और शिकारी थिम्मन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग के बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल से अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए फिर से चाकू निकाला, लेकिन बाद में उसे लगा कि वो देख ही नहीं पाएगा कि उसे आंख कहाँ लगानी है, तो उसने लिंग के दाहिनी ओर अपना पैर रखा और अपनी आंख निकाल ली। उसके ऊपर भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को अपने दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसे कन्नप्पन नैनार के नाम से जाना जाता है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नैनार यानी शिव का भक्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों शेयर करना ना भूलें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।